ऑलराइट सो हे गाइस व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एटीएम आरसी स्किन है 2021 जो इंडिया में अभी पहली बार स्पॉट हुई है और कौन से कलर स्किन के साथ वो आने वाली है वो सब मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। और आप अगर चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कोई भी बाइक से रिलेटेड आपको वीडियो कुछ भी डिटेल्स जानना होगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम हैंडल दे दूंगा, आप लोग मेरे को सीधा मैसेज भी कर सकते हो। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट सो न्यू आरसी 390 की बात अगर करें तो केटीएम ने इस बार आरसी 390 का टोटली लुक चेंज कर दिया है। जो साइड फेयरिंग हो गई, जो फ्रंट फेयरिंग हो गई, केटीएम ने इस बार पूरा रीडिजाइन किया है आरसी 390 को और पूरा फ्रेश लुक लेके मार्केट में आ रही है बाइक। और अगर बाइक की बात करें तो जो नए कलर्स आपको मैंने बताया गया, एक ऑरेंज में आ सकती है और डार्क ग्रे में आ सकती है बाइक। और ग्राफिक्स भी जो उस पर रहेगी वो पूरी न्यू रहेगी, कोई पहले जैसी नहीं होगी, पूरा फ्रेश डिज़ाइन के साथ आ रही है तो ऑब्वियसली बात है कि न्यू डिज़ाइन भी देखने मिलेगा हमें ग्राफिक्स में भी। और बात करें अगर बाइक के डिस्प्ले की तो जो पहले LCD डिस्प्ले आता था वो इस बार वो चेंज करने वाली है KTM। और हमें जो ड्यूक 390 में जो डिस्प्ले देखने मिलता था TFT डिस्प्ले, वो सेम डिस्प्ले देखने मिलेगा विद स्मार्ट कनेक्टिविटी ब्लूटूथ फीचर्स के साथ। तो ये एक अच्छा खासा अपग्रेड है RC 390 का था, क्योंकि ये अपग्रेड की ज़रूरत थी क्योंकि ड्यूक में तो आ गया था बट RC में कोई अपडेट नहीं था, तो ये एक बेस्ट अपग्रेड आ गया इसमें। तो नेक्स्ट बात करेगा इस, तो अभी जो हमें RC 390 में जो प्रोजेक्टर देखने मिलते हैं ट्विन प्रोजेक्टर हेडलाइट देखने मिलती है, और अभी जो न्यू RC 390 आ रही है उसमें सिंगल प्रोजेक्टर हेडलाइट होगी और मे बी उसके अंदर DRLs भी होंगे। और नेक्स्ट अगर बात करें बाइक के इंजन की, टायर्स की और एग्जॉस्ट की, तो वो एज यूजुअल जो पहले के 390 में आते थे वो सेम रहने वाले, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। KTM में RC 390 के फ्रंट लुक को टोटली चेंज किया गया था, इसलिए अभी फ्रंट में हमें तो पूरा बबल वाइजर मिलने वाला है जो उसके हेडलाइट को भी कवर करेगा। और ये वाइजर एज़ कम्पेयर टू ओल्ड RC 390 से थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि, और जो राइडर को भी विंड ब्लास्ट से अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा। तो RC 390 के अंदर भी हमें बहुत अच्छा खासा एरोडायनामिक न्यू डिज़ाइन देखने मिलने वाला है, क्योंकि बाइक अगर थोड़ी कम्फर्ट के साइड भी है तो भी डिज़ाइन उसका थोड़ा एरोडायनामिक और एग्रेसिव साइड में ही है। अगर बाइकर को जो राइडर होगा जो राइड करेगा बाइक को, उसको थोड़ा कंफर्ट मिलेगा। और गाइस अगर नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें तो अभी जो KTM RC 390 जो न्यू आने वाली है उसके अंदर हमें न्यू अलॉय व्हील्स देखने मिलने वाले हैं, और जो इसका वाइजर होगा वो पहले के कंपेयर टू थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो ऑब्वियसली बात है विंड ग्लास का कोई सीन नहीं होगा इस बार पहले एज़ कम्पेयर टू ओल्डर वर्जन। और अगर बाइक के सीट की बात करें तो इस बार हमें बाइक में स्प्लिट सीट देखने मिलने वाले हैं, और एज़ यूजुअल जो पहले RC 390 में जो पिलियन जो बैठता था उसकी सीट इतनी हाइट रहती थी, वही सेम हाइट हमें पीछे देखने मिलने वाली है, मतलब वैसे ही पीछे पिलियन को कोई कंफर्ट नहीं मिलने वाला। बाइक के इंजन की अगर बात करें तो बाइक का इंजन हमें सेम जो ओल्ड RC 390 में मिलता था वही सेम मिलने वाला है, जो 373 cc का होगा, जो मैक्सिमम पावर 43.5 CS प्रोड्यूस करेगा और 36 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। और ये बाइक ऑब्वियसली 6-speed गियरबॉक्स के साथ आएगी। बस इस बार जो न्यू RC 390 आने वाली है उसके अंदर हमें बस फ्यूल टैंक बड़ा देखने के लिए मिल सकता है। तो अभी आते हैं बाइक के फाइनल पॉइंट के ऊपर कि बाइक कब तक लॉन्च होगी और इसकी क्या प्राइस होने वाली है। तो बाइक मोस्ट प्रोबेबली जून जुलाई तक लॉन्च हो सकती है इंडिया के अंदर, और इसका जो प्राइस रहेगा, मतलब एज़ कम्पेयर टू ओल्डर RC 390 थी उसका प्राइस था 2,71,000, और जो 2021 न्यू KTM RC 390 आने वाली है उसका प्राइस एक्सपेक्टेड प्राइस है 2,75,000 से लेकर 2,85,000 तक। तो बस आज के लिए बस इतना ही था। आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू एंजॉय टू लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब, और आप सब्सक्राइब करो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ।